इज नील। तो स्वागत है आपका लर्न विद एस एन के पे। आज सोचा कि कुछ और करते हैं हटके, थोड़ा एजुकेशन तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क तो कुछ ज़्यादा ही मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्ट्स बनाना, तो मेरा वो बचपन से ही मेरा पैशन रहा है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ठीक है, तो आज कुछ और बनाएंगे। आज मैं ट्राई करूँगा एक पंप बनाने का सोच रहा था, एक्चुअली एक बनाया भी था, ठीक है, तो वो ठीक से काम नहीं किया था, ठीक है। तो मैं इस बार कुछ ऐसा एक क्रिएटिविटी लाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नयापन आए उस चीज़ में, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनाने वाला हूँ मैं। तो चलिए देख लेते हैं वो पंप जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो आज हम लोग वो पंप बनाने वाले हैं। तो बनाने से पहले प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पंप हम लोग बनाएंगे, उसके बेसिकली तीन पार्ट हैं। पहले हम लोग इसका वाल्व बनाएंगे, दूसरा इसका बॉडी बनाएंगे, ठीक है, मोटर को अटैच करेंगे, इसका बॉडी बनाएंगे, और तीसरा इसके अंदर का ब्लेड बनाएंगे, ठीक है। ये रिजर्वायर तो पाइपलाइन के साथ ही अटैच होगा, तो वो इजी वर्क है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा देखिए वीडियो को, ठीक है, कैसे हम लोग बना रहे हैं, और होपफुली यू लाइक इट। वाल्व बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा ये एक ढक्कन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये ऐसे टाइप का ढक्कन जो इसका ऊपर वाला खुल जाता है, ठीक है, इसके ऊपर वाला ये खुल जाता है ऐसा, ठीक है। एक माचिस की तीली देख लीजिए, एक ही हमें लगेगा, ये जो 6 mm की बुलेट्स आपको शायद याद ही होगा, तो हम लोग बचपन में जो माउजर गन्स खरीदते थे, है ना, उसके साथ ये जो बुलेट्स आती थी, है ना, तो ये आपको एक छोटा सा बॉल लगेगा, एक ही चाहिए होगा हम लोग को, ठीक है। तो गाइस, मैं स्केच पेन के पीछे का हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए मैंने क्या किया कि इसके पीछे यहाँ पे छेद कर दिया मैंने, ठीक है, ज़्यादा बड़ा छेद नहीं होना चाहिए। इसको अब क्या करूँगा, इस कैप में मैं फ़िक्स कर दूँगा, ठीक है, इस कैप में मैं फ़िक्स करूँगा, क्यों, तो फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके ब्लॉक करने वाला हूँ हॉट ग्लू गन से, फिर इसके अंदर वो गोली डालूँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सूख के हो चुका है एकदम, तो बिल्कुल तैयार। इसके अंदर हम लोगों ने ये बॉल को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इस पर ये स्टिक जो हम लोगों ने काट के रखा था, ठीक है, इसको घुसा के, ठीक है, इसको ऐसे घुसा देना है, और जो हम लोगों ने पाइप, ये मैंने एक थोड़ा छोटा सा पाइप काट के रख दिया, इसको देखिए इसके अंदर फिक्स कर देना है, ठीक है, बस, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने माउथ से सक्शन करके देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एयर टाइट है, ठीक है, मतलब ये आप इसको इनफ्लो कर सकते हैं, लेकिन हुक को आप सिर्फ खींच सकते हैं, ठीक है, आप बाहर नहीं भेज सकते, एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ इनहेलेशन ही, मतलब हम लोग पंप का जो हम लोग बॉडी बनाएंगे उसके लिए हम लोग को ये चीज़ चाहिए, एक मोटर, ठीक है, ये तीन कैप्स, बॉटल के कैप्स, ठीक है, ये जो ये ऐसे बॉडी बनने वाला है, ठीक है, मैंने इसमें एक छेद कर लिया क्योंकि ये जो मेरा मोटर है, ठीक है, ये ऐसे करके इसका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट इसके ऐसे फंस जाएगा इसमें। ये जो एक ढक्कन है, इसका मैंने ऊपरी पार्ट ये वाला काट लिया था, और इसको थोड़ा सा मैंने शोल्डरिंग आयरन से थोड़ा शेप दे दिया, ठीक है, थोड़ा राउंड कर दिया इसको। तो इससे मैं क्या करूँगा, ये देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो चीज़ है ये अंदर वाले से बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, दोनों जो ये कैप्स है इसके अंदरी डायमीटर से इसका डायमीटर छोटा हो, क्यों, क्योंकि यही चीज़ है जो इसका ब्लेड बन के अंदर घूमने वाला है, ठीक है, इन दोनों के अंदर घूमेगा, ठीक है। तो अब इसका जो ब्लेड्स है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे इसी चीज़ से, इसको काट काट के इसके इस
को, ठीक है। तो उस रिजर्वायर का काम, ठीक है, ये पाइप करेगा। ये पाइप हम लोग जब पंप को मतलब पानी में डालेंगे, ठीक है, तो इस रिजर्वायर में हम लोग पानी ऑलरेडी डाल देंगे। क्यों? ताकि एक एयर टाइट हम लोग सील क्रिएट कर सके, ठीक है, ताकि कोई एयर बबल ना रह जाए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ से पानी डालेंगे, ठीक है, वो पानी आके यहाँ से तो अब बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे वेल्व है, ठीक है। ये तो पानी अंदर आने देगा, जाने तो नहीं देगा बाहर। तो यहाँ से पानी डालेंगे, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बाकी का पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लेट घुमाने से पहले हमें ये सील करना पड़ेगा। तो इसको सील करने के लिए मैं एक रबर बड का यूज़ करूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस रबर बड से मैं इसको सील कर दूँगा। जैसे मैं इसमें पानी डाल दूँगा, मैं इसको सील कर दूँगा, ठीक है। क्यों? अगर मैंने सील नहीं किया तो क्या होगा कि ये पानी तो एनी हाउ निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो खुला रह जाएगा ना, तो यहाँ से एयर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एयर गैप बन जाएगा, मतलब ये ब्लेड घूमेगा लेकिन वो पानी को सक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एयर गैप आ चुका है, ठीक है। कौन ज़्यादा हैवी होता है, पानी या एयर? ऑब्वियसली पानी। सो इसका पहला प्रायोरिटी होगा कि एयर को खींच लेगा ना अंदर, पानी को वो खींचेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ से स्टॉप करूँगा इसको, तब उसको एयर नहीं मिलेगा, तब वो पानी को खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो ये इसका फंक्शनिंग है। चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा इसका रिजल्ट है। तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक छोटा मोटर यूज़ किया है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इसमें बहुत हैवी पानी आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा मोटर यूज़ किया होता, ठीक है, तो पानी बहुत एक्सेस अमाउंट में आता, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग देख लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा पंप सेटअप रेडी हो चुका है। और तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं आपको पहले एक बार चला के दिखा देता हूँ कि देखिए इसका ये नॉब खुला हुआ है, ठीक है। इसका ऊपर का ये वाल्व खुला, मतलब इसका ये रबर खुला हुआ है, यानी कि अभी हमारे सिर्फ वाल्व, मतलब वाल्व से पानी आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो रिजर्वायर है, ठीक है, ये भी खुला हुआ है, तो अभी पंप से पानी नहीं उठना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एयर सर्कल है, नॉट वाटर, ठीक है, क्योंकि एयर इज लाइटर देन वाटर। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मैंने ये ऑन किया, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, क्या यहाँ से कुछ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, पानी डालेंगे पहले इसमें, ठीक है। ये देखिए ये पानी है, इसमें मैं पानी डालूँगा और जैसे ये फिल होता है यहाँ पर, तो मैं इसका ये रबर से इसका मुँह बंद कर दूँगा, ठीक है। देख सकते हैं मैं फिल कर रहा, जब तक यहाँ से पानी आउटपुट ना हो जाए तब तक मैं फिल करता रहूँगा। अब देखते हैं पंप चलता है या नहीं। देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ स्विच, देखिए पंप चलने लगा ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पानी डाला उससे ये चल रहा है या फिर वही पानी ये आ रहा है, तो अब गलत है, क्योंकि हाँ वो पानी तो आ रहा है लेकिन अब नया फ्रेश पानी उठना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फ्रेश पानी उठना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसको खोल दूँ, इस रिजर्वायर को यहाँ से, ठीक है, तो एयर अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर गैप बन जाएगा तो ये रुक जाएगा पंप, ठीक है, जो हमारे घर में अक्सर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, देखिए आया ना, बंद हो गया, ये होता है एयर गैप बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे कोई पानी नहीं है, है ना, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, यहाँ पे वाल्व से पानी ऊपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर गैप बन चुका है, देख सकते हैं, देखिए ना, देखिए पानी नीचे चला जा रहा है बार बार, देखिए देखिए पानी नीचे जा रहा है। तो इस एयर गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इस रिजर्वायर को दिया था, ठीक है। तो होप आपको पंप अच्छा लगा हो, तो आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का। मैंने ये इसीलिए बनाया ये पंप, क्योंकि मुझे आपको ये नहीं दिखाना था कि ये पंप बन सकता है, ठीक है। पंप बनाने के तो हज़ारों वीडियोज़ है यूट्यूब पर, मुझे बस आपको ये पार्ट दिखाना था जो एक्चुअली वैक्यूम का काम होता है, ठीक है, सक्शन का।
जो हम लोग एयर गैप बन जाता है उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने अप्लाई किया, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, और वही आपको बताना था, इसलिए ये वीडियो है। आई होप सो यू लाइक इट, एंड जाके प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।